हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट योर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्लियर। तो आम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रे दुई प्रकार आसला, गोटे आसला कौन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आ गोटे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रो गोटे एग्जांपल आम ऑलरेडी करथिले। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रो आ गोटे एग्जांपल देख, दैट इज योर एफिशिएंट 6-4 माइनस, क्लियर। तो से क्वेश्चन आसीब एफिशिएंट 6-4 माइनस यार शेप स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, तो यहाँ आसो तुम तीन मैं क्वेश्चन अढ़े लंग क्वेश्चन भाई आसो, क्लियर। तो देख फास्ट आम कौन करवा एफिशिएंट 6-4 माइनस केमी फर्मेसन हो देखा, तापर तार हाइब्रिडाइजेशन आम जाना, तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए आम स्ट्रक्चर तापर ज्योमेट्री करवा, तापर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यार देखा। तो फास्ट देख के एफिशिएंट 6-4 माइनस फॉर्मेशन हो, क्लियर। तो एफिशिएंट 6-4 माइनस यार ना फास्ट लिख, यार आईपीएक नेम कौन आसो, तो तुम लिगांड किए सियानाइड आयन बा सीएन माइनस आयन, तो सेंट्रल मेटल कैटायन आयरन, क्लियर। तो देख कत लिगांड अच्छी, तुम छा लिगांड अच्छी, तो लिखे कौन हेक्सा सियानो दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, क्लियर। तो एक केस रे कोन आसीबो आयरन अछि, एक केस रे पड़ आसीबो फेरेट जेतु नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स अछि, तो सफिक्स लागबो कोन एटी, सेंट्रल मेटल एटम पाखरे एटी लागबो, हेक्सा सियानो फेरेट, तापर लिखे ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन रो ऑक्सीडेशन स्टेट केता, क्लियर। तो लिखो एक्स प्लस 6 × −1 = −4, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4, तो x इज इक्वल टू कैसे आसो 6 − 4, x इज इक्वल टू प्लस 2। तो एफिशिएंट 6-4 माइनस रे आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट केते Fe2+, क्लियर। तो फास्ट आम कौन कर आयरन रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करवा, तापर Fe2+ रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करवा, तापर ए टोटल कॉम्प्लेक्स रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाहर करवा, क्लियर। तो फास्ट लिख इन दिस कॉम्प्लेक्स, लिख इन दिस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज रे फास्ट लिख, इन दिस कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफई इज प्लस 2, इन दिस कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफई बा आयरन इज प्लस 2, फुल स्टॉप देख लिख द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2 इज 3d6। एबे देखिया केमिदि 3d6 आसी Fe2 रा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Fe2 इज 3d6, फुल स्टॉप दे लिख। तो केतटा इलेक्ट्रॉन अछि 6टा इलेक्ट्रॉन, एबे देखिया d ऑर्बिटल रे तमर केमिदि 6टा इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हो जोंथि, तो लिख The six electrons are distributed among 5 numbers of 3D orbitals. The six number of electrons are distributed among 5 numbers of 3D orbitals. तमें जानते 3D सबसे कत ऑर्बिटल अस्ती 5 ऑर्बिटल, तो देखिए 5 ऑर्बिटल के 6 इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हो जाते, क्लियर। फुल स्टॉप देख लिख The hybridization scheme is as shown below in diagram. तो अबे डायग्राम में हमें देखिएगा कौन हाइब्रिडाइजेशन केमती आसुची। तो फास्ट देख आयरन रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाहर कर, तो सेंट्रल मेटल के आयन आयरन, तो आयरन रो एटॉमिक नंबर केते 26, तो आसीओ केते आर्गन 18, तब आसीओ 4s2 3d6, 18 × 20 = 26 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तापर बाहर करिया कोन Fe2+ रो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन केते Fe2+ रे केते हबो, तो तमार दुईटा इलेक्ट्रॉन लॉस करियो, दैट मींस 24 आसीओ। तो तुमको कह दिली दुईटा इलेक्ट्रॉन जैसे लॉस करे, फास्ट कौन 4s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक हो, तापर जाके 3d, तो 4s ऑर्बिटल ऑलरेडी दुईटा को इलेक्ट्रॉन अछि, तो 4s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, आ बोलला कौन 3d6, तो लिखबी कौन आर्गन 18
18 3d6 4s0 आसर बिटार इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गला तो देख थ्री डी सिक्स को मुझे लिख पारि तो डी सबसे कत आर्बिटल पांचटा एक दुई तीन चार पाँच तो पांचटा आर्बिटल छटा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अच्छे तो फास्ट सब सबसे सब आर्बिटल गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाँच आ गोटे इलेक्ट्रॉन क्लियर फोर एस ऑर्बिटल रे एम्प्टी ऑलरेडी दुटा को इलेक्ट्रॉन पड़े आसा कौन फोर एस पर फोर पी तो पी सबसे तीन टा आर्बिटल तो वैकेंट अच्छे तो एफ टू प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये पड़े आ तो एबे देखो लिगांड अटैक करियो क्या अटैक करियो सेंट्रल मेटल कैटायन को एफ टू प्लस को क्या अटैक कर लिगांड तो सीएनआईड लिगांड अटैक करियो तो आम जानते सीएन माइनस सीएनआईड आयन इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड क्लियर तो जेहेतु सीएन सीएनआईड लिगांड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड यार काम कौन ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर जेहेतु सीएन माइनस टा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड यार काम कौन अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन अच्छी कैसा अनपेयर इलेक्ट्रॉन अच्छी एक दुई तीन चार चार्टा अनपेयर इलेक्ट्रॉन अच्छी तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन किए पेयर अप कर तो ये गोटे अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये आसो गोटे अनपेयर इलेक्ट्रॉन एठिक पलि आस तो या तले लिख ये लिख अंडर द इनफ्लुएंस अफ ये लिख या तले लिख अंडर द इनफ्लुएंस अफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड अंडर द इनफ्लुएंस अफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड अंडर द इनफ्लुएंस अफ स्ट्रंग फिल्ड लिगांड ब्राकेट लिख सी एन माइनस ब्राकेट लिख सी एन माइनस कमा दे लिख द इलेक्ट्रॉन्स इन थ्री डी ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन्स इन थ्री डी ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन्स इन थ्री डी ऑर्बिटल्स गेट पेयर्ड अफ द इलेक्ट्रॉन्स इन थ्री डी ऑर्बिटल्स गेट पेयर्ड अफ तब कौन कर सीएनआईड लिगांड आसिकी सेंट्रल मेटल आयन को अटैक कर तब देख कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाहर कर एफ सी एन सिक्स फोर माइनस एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस कम्प्लेक्स तो एबे सीएनआईड लिगांड आसला तो ये पेयर अप हो तो देख थ्री डी सबसेल रे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एमती हो इलेक्ट्रॉन ये आसला ए इलेक्ट्रॉन ये पड़े आसला तो डी ऑर्बिटल रे वैकेंट रोज कत्ता दीटा ऑर्बिटल क्लियर एस ऑर्बिटल वैकेंट अछि देन पी ऑर्बिटल वैकेंट अछि क्लियर तो सीएनआईड लिगांड कत्ता अछि 6टा सीएनआईड लिगांड अछि कत्ता वैकेंट ऑर्बिटल अछि 1 2 3 4 6टा वैकेंट ऑर्बिटल अछि तो कोन करबो प्रत्येक सीएनआईड लिगांड ईच सीएनआईड लिगांड तमन कोन करबो प्रत्येक वैकेंट ऑर्बिटल को गोटे लेखा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करबो प्रत्येक सीएनआईड लिगांड तो ईच सीएनआईड लिगांड तुम कौन वैकेंट ऑर्बिटल को गोटे लेखा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर तो इलेक्ट्रॉन पेयर गोटे डोनेट करी तो तुम कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर तो छटा सीएनआईड माइनस आयन छटा सीएनआईड लिगांड अच्छी तो तुम छटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर इन बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगांड क्लियर देख सब केस तो तुम लिगांड तुम कौन गोटे लेखा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे क्लियर तो हाइब्रिडाइजेशन कौन आस देख डी सबसेल डी ऑर्बिटल कैसेटा ऑर्बिटल यूज हो दीटा ऑर्बिटल यूज हो आस डी सबसेल दीटा ऑर्बिटल तो आसा कौन डी टू एस ऑर्बिटल गोटे एस पी ऑर्बिटल तीन टा यूज हो डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन क्लियर तो देख इनर डी ऑर्बिटल तुम कौन हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होजी कॉम्प्लेक्स रे कौन इनर डी ऑर्बिटल दिस इज योर इनर डी ऑर्बिटल या पर आसी कौन फोर डी आसीबो तो फोर डी कौन आउटर डी ऑर्बिटल थ्री डी इनर ऑर्बिटल तो इनर डी ऑर्बिटल तुम हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर तो से कॉम्प्लेक्स टा कौन कह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्लियर तो यहाँ कर या तले लिख फॉर्मेशन ऑफ या तले लिख फॉर्मेशन ऑफ एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस फॉर्मेशन ऑफ एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस क्लियर फॉर्मेशन ऑफ एफ ई सी एन फोर सी एन सिक्स फोर माइनस कॉम्प्लेक्स लिख दो लिख कॉम्प्लेक्स
तेतले लेख द सिक्स नंबर्स ऑफ द सिक्स नंबर ऑफ डी टू एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स द सिक्स नंबर्स ऑफ डी टू एस पी केतटा डी टू एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल होला 6टा 1 2 3 6टा डी टू एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स द लेख द सिक्स नंबर्स ऑफ डी टू एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑक्युपाइड बाय सिक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are occupied by six pair of electrons one from each cn minus ligand one from each cn minus ligand to likhilo kon the six number of d2sp3 hybrid orbitals are occupied by six pair of electrons one from each cn minus ligand clear तो बर्तमान देखिया ज्योमेट्री देखिया क्लियर तो आम जानते जदि तुम हाइब्रिडाइजेशन डी टू एस पी थ्री आस तुम ज्योमेट्री कौन आसो ऑक्टाहेड्रल भाई आसो ज्योमेट्री स्ट्रक्चर लिखो कौन ऑक्टाहेड्रल तले पॉइंट देख लिख स्ट्रक्चर आसो कौन ऑक्टाहेड्रल तो आम जानते डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन आसे कौन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पड़े आसो क्लियर तले लिख मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर लिख लिख कौन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो ये देखिए ये कॉम्प्लेक्सटा एफिशिएंट सिक्स फोर माइनस आयन डायमैग्नेटिक ना पारामैग्नेटिक तो ये कॉम्प्लेक्स रे देख अनपेयर इलेक्ट्रॉन आब्सेंट अच्छी कॉम्प्लेक्स रे अनपेयर इलेक्ट्रॉन आब्सेंट अच्छी दैट मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन आब्सेंट अच्छी तो जेहेतु अनपेयर इलेक्ट्रॉन आब्सेंट अच्छी इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर क्लियर तो लिख मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रे द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक इन नेचर कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक इन नेचर डायमैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू द आब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द आब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन नाइन ड्यू टू आब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स तब देख स्ट्रक्चर देख सेंट्रल मेटल आयन कि आयरन तो लिख ली कौन एफ ई तो लिगांड के छा लिगांड CN6 कते लिखी जी 4 माइनस एफिशिएंट 6 4 माइनस दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ एफिशिएंट 6 4 माइनस ए स्ट्रक्चर टा कर साला पर या तळे लिख ए स्ट्रक्चर टा कर साला पर या तळे लिख इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स 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 द इनर ऑर्बिटल 3d द इनर ऑर्बिटल 3d द इनर ऑर्बिटल 3d इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन द इनर ऑर्बिटल 3d यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन द इनर 3d ऑर्बिटल कोन हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर जे इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन हेंस फुल स्टॉप दे लिखो हेंस complex is known as inner orbital hence complex is known as inner orbital or low spin complex inner orbital complex or low spin dekho electron spin kam achi ba unpaired electron nahi low spin complex ba spin paired complex koi pariba क्लियर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कोई पारिबा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कोई पारिबा तापर स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स कोई पारिबा क्लियर तो दिस इज ऑल अबाउट योर एफिशिएंट 6 4 माइनस हेक्सासियानो फेरेट एट ऑक्सीडेशन स्टेट केता CO2 फेरेट 2 क्लियर फेरेट 2 जेतो आयन प्रेजेंट अछि लिखियो फेरेट 2 आयन क्लियर तो किछटा एग्जांपल लेखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रो किछटा एग्जांपल लेखो आउ को कॉम्प्लेक्स तुम कौन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रे
पार्टिसिपेट कर पारे बा आउ कॉम्प्लेक्स रो डी टू एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन आसीबो लिखो FeCN6 3 माइनस आयन FeCN6 3 माइनस आयन तो FeCN6 3 माइनस आयन निजे बाहर करियो क्लियर एटा जमी बाहर कर ली FeCN6 4 माइनस FeCN6 3 माइनस रे सेम दी कैलकुलेट करियो ए केस रे सेम दी D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन आसीबो तोर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आसीबो क्लियर बा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही होबो तापर आसीबो CrNH3 होल 6 CrNH3 होल सिक्स थ्री प्लस क्लियर तापर सीओ एनओ टू होल सिक्स सीओ एनओ टू होल सिक्स थ्री प्लस तो यही कम्प्लेक्स गुड़ाक भी इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स एग्जांपल हो जाए जदि क्वेश्चन आस सीआरएनएच थ्री होल सिक्स थ्री प्लस तेलिया प्रोसीजर एगुड़ा कर क्लियर तो ये एग्जांपल गुड़ाक लिख इनर एग्जांपल्स ऑफ अदर इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स क्लियर सीओ एनओ टू होल सिक्स थ्री माइनस एनओ टू होल सिक्स थ्री माइनस तो तुम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सरला एबे देखिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्लियर तो हेडिंग दियो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हेडिंग दियो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एटा भी तुम कौन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रे जाउजी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रो गोटे एग्जांपल करिवा तो सही एग्जांपल अनुसार तुम अलग गुड़ाक सॉल्व करिवा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रो एग्जांपल लिखो सीओ एफ सिक्स थ्री माइनस सीओ एफ सिक्स थ्री माइनस इंपोर्टेंट ए कॉम्प्लेक्स टा दीदी पचार थी यार सेफ स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन क्लियर सीओ एफ सिक्स थ्री माइनस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो या ना फर्स्ट देखो सेंट्रल मेटल आयन किए कोबाल्ट लिगैंड किए फ्लोराइड एफ माइनस आयन क्लियर तो लिखी कौन हेक्सा छटा फ्लोरीन अच्छी तो लिखी कौन हेक्सा फ्लोरो हेक्सा फ्लोरो तो तुम कम्प्लेक्स टा कौन आनायनी कम्प्लेक्स अच्छी तो सफिक्स लगे कौन एटी लगे तो हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट कोबाल्टेट एबे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिवा कार ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर करिवा कोबाल्ट रो तो एक्स प्लस सिक्स इंटू माइनस वन गोटे फ्लोराइड आयन चार्ज के माइनस वन छटा फ्लोराइड सिक्स इंटू माइनस वन इज इक्वाल टू टोटाल चार्ज के माइनस थ्री तो एक्स माइनस सिक्स इज इक्वाल टू माइनस थ्री तो एक्स इज इक्वाल टू के प्लस थ्री एक्स इज इक्वाल टू प्लस थ्री तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो भाया करूल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से ही भाया वे हम तो ये केस कोबाल्ट फास्ट इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन करवा कोबाल्ट थ्री प्लस सीओ एफ सिक्स थ्री माइनस कॉम्प्लेक्स बाहर करवा क्लियर तो ये केस कोबाल्टेड थ्री जेहतु आयन अच्छी तो लिखो कौन कोबाल्टेड थ्री आयन क्लियर तो ये लिख तो या पूर्व जो भाया प्रोसीजर तुमको लांगुएज लिखी ये भी सही भाया प्रोसीजर में लिख लिख इन दिस कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज इन दिस कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन द कोऑर्डिनेशन नंबर सॉरी इन हाँ ए कॉम्प्लेक्स रे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर केते आसीबो 6 किंतु ऑक्सीडेशन नंबर आसी केते 3 ए कॉम्प्लेक्स रे कोऑर्डिनेशन नंबर केते 6टा लिगैंड अटैच जे तो कोऑर्डिनेशन आसीबो कोऑर्डिनेशन नंबर आसीबो 6 तो तुम ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट केते आसीबो 3 तो लिखो इन दिस कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज प्लस 3 कोबाल्ट इज प्लस 3 फुल स्टॉप देख इन दिस केस थ्री डी ऑर्बिटल्स इन दिस केस थ्री डी ऑर्बिटल्स डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन
इन दिस केस 3D ऑर्बिटल्स डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ई केस रे कोन हबो जो इनर 3D ऑर्बिटल उटा देखुलो से माने हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करिवेनि। क्लियर? आउटर 4D ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करिवो। क्लियर? होयर आज सेड लेखो होयर आज 4D ऑर्बिटल्स होयर आज 4D ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। 4D ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। फुल स्टॉप दे लेखो The hybridization scheme is as shown below in diagram. Is as shown below in diagram. Clear? तो फास्ट देखो कोबाल्ट्रो एटॉमिक नंबर कितने 27। क्लियर? तो आसो कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट कहते +3 तो लिखी कौन कोबाल्ट 3+। तो कोबाल्ट 3+ रे तीनटा कोबाल्ट 3+ मीन तीनटा इलेक्ट्रॉन लॉस करी तो 27 रु तीनटा इलेक्ट्रॉन लॉस केला कते रहला 24। तो एबे कोन आसीबो आर्गन 18 फास्ट कोन कहि 4s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रिमूव हो तापर 3d ऑर्बिटल। तो 4s ऑर्बिटल दुटा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो देन 3d ऑर्बिटल गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो दुए को तीन तो आसीबो कोन 3d 3d 6 देन 4s 0। क्लियर? तापर आसीबो कोन 4p। क्लियर? तो देखो 3d 6 तापर 4s तापर आसीबो कोन 4p। p सबसेले तीनटा ऑर्बिटल 4p रे भी कोन 0 अछि तो 3d 6 3 4 5 4s vacant, 4p vacant. तापर एक केसरे कौन 4db vacant, 4db vacant अछि 4s vacant, 4p vacant, 4d vacant. क्लियर? तापर देखिबा COF6 3- कॉम्प्लेक्स रे देखिबा तो COF6 3-। तो देखो फ्लोराइड आयन F- आयन इज ए वीक फील्ड लिगांड। F- आयन इज ए वीक फील्ड लिगांड। तो वीक फील्ड लिगांड कौन करिवो 3d ऑर्बिटल जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर परिबो नाही जेतु F- आयन इज ए वीक फील्ड लिगांड। एटा कोन वीक फील्ड लिगांड तो ये कोन करिवो 3d सबसेल जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अछि ए माने पेयरिंग कर परिबो नाही। क्लियर? तो लेखो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ या तळे लेखो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वीक फील्ड लिगांड ब्रैकेट लिखियो F- आयन द इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल डू नॉट गेट पेयर। तो 3d ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन उडा को पेयर अप हे परियो नाही ड्यू टू F- आयन इज ए वीक फील्ड लिगांड। द इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल डू नॉट गेट पेयर। क्लियर? एबे देखिया COF6 3- आयन। तो देखो 3d ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन डा जो भुलिया थिला सेई भुलिया रहइबो एडा जो भुलिया थिला सेई भुलिया रहइबो पेयरिंग हबनी। सेई कर देखो 4s ऑर्बिटल अछि 4p 4d। तो सेंट्रल मेटल आयन को केतटा लिगांड अटैच हेगी अछि 6टा लिगांड अटैच हेगी अछि। क्लियर? तो केतटा बॉन्ड फॉर्मेशन हो 6टा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो दैट मींस तमार 6टा वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करिवे। क्लियर? तो ए केस रे कोन आसीबो F F- 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 4टा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होला 5। तो देखो प्रत्येक इज F- आयन गिव्स इलेक्ट्रॉन पेयर बट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द इज वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर? तो प्रत्येक प्रत्येक कौन फ्लोराइड माइनस आयन लिगांड तो तुम कौन सेंट्रल मेटल आयन को कौन गोटे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करियो। क्लियर? तो देखो एस ऑर्बिटल गोटे जाइजे पी ऑर्बिटल तीनटा जाइजे डी ऑर्बिटल तीनटा यूज होइजे हाइब्रिडाइजेशन रे। एस ऑर्बिटल गोटे पी ऑर्बिटल तीनटा डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन दुटा यूज होइजे तो हाइब्रिडाइजेशन कोन आसीबो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन।
sp3d2 hybridization. तो एई केस रे देखो एई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन COF6 3- कॉम्प्लेक्स रे आउटर डी ऑर्बिटल मींस 4d ऑर्बिटल तमरा हाइब्रिडाइजेशन रे पार्टिसिपेट करछे. तो दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. क्लियर? तो लिखो त तळे द 6 नंबर ऑफ केतटा sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अछि 6टा 6टा sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट अछि. तो लिखो द 6 नंबर्स ऑफ sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स The six numbers of sp3d2 hybrid orbitals are occupied by six pairs of electrons. One from each f minus ion ligand. The six number of sp3d2 hybrid orbitals are occupied by six pairs of electron, one from each f minus ion. Clear? Full stop dio. Tab lekho geometry. Geometry or structure. Tab lekho complex is sp3d2 hybridization asle structure kon asthila? Octahedral. Tab lekho kon? Octahedral. Tab pre dekhiyo magnetic properties. अब देखिए आई कॉम्प्लेक्स ता तमरो डायमैग्नेटिक ना पैरामैग्नेटिक. तो देखो एक कॉम्प्लेक्स आयन रे अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछि. चार चारटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछि. तो जेहेतु अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछि इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. तो लिखो कॉम्प्लेक्स आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन. कॉम्प्लेक्स आयन इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? अब स्ट्रक्चर करो सेंट्रल मेटल आयन के कोबाल्ट एफ COF6 3- ए डायग्राम ना करियो. दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ COF6 3- कॉम्प्लेक्स. तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ सी. क्लियर? ता तळे लिखो इन द फॉर्मेशन ऑफ या तळे लिखो डायग्राम लिख सारा पर इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स द आउटर 4d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन. द आउटर 4d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन. फुल स्टॉप दियो. तो तुम्हारे आउटर 4d ऑर्बिटल कौन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जी. सो दैट द कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो लिखो आउटर ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन. फुल स्टॉप देख लिखो. हेंस द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स. तो कौन पाई देखो हाई स्पिन कहला. तो देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखो बहुत गुडे प्रेजेंट अछि हाई स्पिन. तापर कौन कहला स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स. तो इलेक्ट्रॉन रो स्पिन देखो फ्रीली प्रेजेंट अछि. अलगा केस रे कौन स्पिन गुडा को पेयर हिदिला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स केस रे. ए केस रे इलेक्ट्रॉन स्पिन गुडा कौन फ्रीली प्रेजेंट अछि. तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स. क्लियर? तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रो अलगा गुडे एग्जांपल लेखो. Fe F6 3- तापरे Fe H2O whole 6 3+. क्लियर? Mn C2O4 3 क्लियर 3-. तो एई कॉम्प्लेक्स गुडा करबी तमे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. दीज आर द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. क्लियर? एई कॉम्प्लेक्स गुडा करबी तमे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाइबो. क्लियर? तो देखो इगुडा कोन वीक तमार कोन वीक फील्ड लिगांड H2O C2O4 दीज आर द वीक फील्ड लिगांड. तो माने कोन करबे अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करि परिनि. तो जेहेतु पेयर अप करि परनाति तो ताकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाइब्रिडाइजेशन कोन sp3d2 आसी आउटर ऑर्बिटल ला आउटर डी ऑर्बिटल ला हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करियो. क्लियर? तो मेन होजी तमारा
फास्ट चिन्हार अच्छे लिगांडा विक् फिल्ड लिगांड ना स्ट्रंग फिल्ड लिगांड क्लीयर। तो प्रीवियस क्लास रे जो ऑर्डर डा लिखी दिली स्ट्रंग फिल्ड लिगांड को गुड़ा विक् फिल्ड लिगांड को गुड़ा से गुड़ा मेन मन रख मेन कौन तुम टारगेट रही है मन रखियार क्लीयर। तो जब जाणीगल कौटा स्ट्रंग फिल्ड कौटा विक् फिल्ड ताल आराम सल्व हो क्लीयर। तो नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो एबे तुम कौन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सरला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये निजे सॉल्व कर एग्जाम निजे सॉल्व कर। थैंक यू।